एक ऐसा बैंक जहाँ पे कभी भी ताला नहीं लगता, और क्या कभी भी आपने इस तरह का जानवर देखा है? और एक ऐसा शहर जहाँ पे वजन घटाने पे सोना मिलता है, और ऐसा क्या हुआ कि 3 घंटे लेट चल रही ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर 1 घंटे पहले पहुँची? और क्या सच में मुर्दे को जिंदा किया गया था? अगर आप इस तरह के अमेजिंग फैक्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि एक ऐसी बुक है जिसका नाम है एवरीथिंग मैन नो अबाउट वुमेन, जिसके 128 पेजेस हैं और सभी पेजेस बिल्कुल खाली हैं, मतलब उनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये बुक बहुत ज़्यादा सेल हुई है और इसकी 5 में से 4.3 रेटिंग भी है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि टाइगर शार्क के बच्चे पैदा होने से पहले ही अपनी माँ के पेट में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं, और जो अंत में बचता है वो ही जन्म लेता है, है ना ये मज़ेदार फैक्ट। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप अपना अगर 1 kg वेट कम करते हैं तो आपको 3 ग्राम सोना मिलेगा। फैक्ट नंबर 7, क्या कभी भी आपने इस तरह का जानवर देखा है? आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ये चीज़ क्या है, पर आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये भालू है, और जिसके फर मतलब जिसके बाल नहीं है। अगर भालू के सारे बाल मतलब फर उड़ जाएं तो भालू कुछ इस तरह लगेगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको ये पता कि कोई भी पर्सन अगर आपकी तरफ घूर रहा है तो आपको तुरंत पता लग जाता है कि वो पर्सन आपकी तरफ घूर रहा है, और चाहे आप नींद में ही क्यों ना हो, आपको नींद में भी ये एहसास हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप ये जानते हैं कि अगर 1 से लेकर 99 तक हम कोई भी स्पेलिंग लिखें तो किसी में भी ABCD ये 4 अक्षरों का यूज़ नहीं होता? क्या आपको ये फैक्ट पता था? फैक्ट नंबर 4, आपको ये तो पता है कि जब भी किसी भी बैंक की टाइमिंग की क्लोजिंग होती है तो उसमें ताला लगता है, पर एक ऐसा बैंक है जिसमें कभी भी ताला नहीं लगता। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर का यूको बैंक एक इकलौता ऐसा बैंक है जहां कभी भी ताला नहीं लगता, क्योंकि यहां की मान्यता है जो भी चोरी करेगा शनिदेव उसका सर्वनाश कर देंगे। फैक्ट नंबर 3, आपने ओरियो कंपनी के बारे में तो सुना होगा और उसका बिस्कुट भी खाया होगा, पर क्या आपको पता है कि ओरियो कंपनी एक इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने अपना पर्सनल एस्ट्रॉयड प्रूफ बनकर बनाया है, जिसके अंदर ओरियो की सीक्रेट रेसिपी है और उसके साथ कई टन ओरियो के बिस्कुट फ्रीज कर रखे गए हैं। उनका ये सोचना है कि अगर कभी भी एपोकलिप्स मतलब कभी भी क्यामत आती है तो भविष्य के लोग भी उस ओरियो को खा सकें। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है कि एक ट्रेन अपने समय से 3 घंटे लेट चल रही थी, पर एक स्टूडेंट ने ट्वीट पे लिखा कि उसकी सिस्टर का एग्ज़ाम है, तो रेलवे ने अपनी स्पीड इंक्रीज कर उस स्टूडेंट को एग्ज़ाम पर 1 घंटे पहले पहुंचा दिया, है ना ये मज़ेदार फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉनिस ने मरे हुए जानवर को जिंदा कर दिया था। ये अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण प्रयोग था, और आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको पता है कि रॉबर्ट ई कॉनिस एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने मनुष्य को पुनर्जीवित करने के लिए कई सालों से उस पर रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक इजाजत की जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है। उनका मानना था कि अगर एक मृत व्यक्ति के अंदर रक्त प्रवाह मतलब खून का दायरा फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने एक टेटर बोर्ड का प्रयोग किया जो कि बिल्कुल सीसा बोर्ड के जैसा होता है। इस प्रयोग में रॉबर्ट ई कॉनिस मरे हुए व्यक्ति को टेटर बोर्ड पर लिटाकर जोर जोर से घुमाते थे जिससे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह वापस से शुरू किया जा सके, और साथ ही मेडिकल प्रक्रिया की भी उन्होंने इसमें मदद ली, पर उन्हें इनसे सफलता नहीं मिली। पर इसके बाद उसने ये एक्सपेरिमेंट जानवरों पर करने का सोचा, जिसके लिए उसने 5 कुत्तों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया, और इन कुत्तों का नाम लैडरस 1, 2, 3, 4, 5 के नाम पर रखा गया। जब ये एक्सपेरिमेंट कुत्तों पर यूज़ किया गया तो पहले जो 3 कुत्ते थे कुछ समय के लिए वापस जिंदा हो गई, लेकिन कुछ देर बाद वो कोमा में चले गए। हालांकि लैडरस 4 और 5 को सफलतापूर्वक पूर्ण जीवित कर लिया गया। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार पुनर्जीवित होने के बाद लैडरस 4 किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं हो पा रहा था। वहीं 5वां कुत्ता लैडरस 5 केवल 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया।
हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे इसका पता किसी को नहीं चल पाया। जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में रोबोट ने इस प्रयोग को एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस एमसी मोगलिक। परंतु थॉमस जेल में था क्योंकि कोर्ट के आदेश पर थॉमस की एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्यु दंड सुनाया जा चुका था। जब थॉमस को रोबोट के एक्सपेरिमेंट का पता लगा तो उसने रोबोट से संपर्क किया। जब रोबोट ने कोर्ट से इस पर इजाज़त मांगी लेकिन कोर्ट ने यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो गया तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा और जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस घटना से रोबोट को गहरा सदमा लगा और उसने कसम खा ली कि वो इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी नहीं करेगा। आप खुद सोचकर देखिए क्या होता अगर रोबोट ई कोर्सन किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते। इसको सुनकर डर तो लगता है। क्या आपको पता है कि इस प्रयोग के बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने इंसानों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि आज भी ऐसे कई देश हैं जहां इस विषय पर खोज चल रही है। 1934 में रोबोट के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है लाइफ रिटर्न और इस फिल्म में रोबोट ने खुद काम भी किया है और इस फिल्म में रोबोट द्वारा प्रयोग के दौरान किए गए असल वीडियो का भी इस्तेमाल किया गया है और ये वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। रोबोट ने अपने इस प्रयोग के लिए कुछ ऐसे काम भी किए जिसके बाद दुनिया उन्हें मैड साइंटिस्ट कहने लगी। गाइज इनमें से आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।